रीवा जिले में देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, या यूं कहें कि मात्र 19 दिन बाकी हैं, नहीं तो 76 साल हो जाएंगे। लेकिन आज भी रीवा जिले में एक ऐसा गांव है जहां पर सड़क नहीं बनी है। अचंभित कर देने वाली बात तो ये है कि राजाओं के शासनकाल से लेकर राजनेताओं के शासनकाल तक इस विधानसभा में एक ही परिवार ने राज किया है। इस विधानसभा से वर्तमान समय में यहाँ के राजा रहे महाराजा मार्तंड सिंह के पोते दिव्यराज सिंह दो बार से सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। लेकिन इसी विधानसभा क्षेत्र में आने वाली कोनी कला गांव में आज तक सड़क नहीं बन पाई है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया है और कहा कि अगर रोड नहीं बनेगी तो हम लोग वोट नहीं देंगे। जबकि दिव्यराज सिंह विकास की गंगा बहाने का दावा करते हैं और इस बार मंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि दिव्यराज सिंह इस नाराज जनता को मनाने में सफल हो पाते हैं या नहीं। फिलहाल आपको सुनाते हैं ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। हाँ, समस्या यह है कि आज हम 40 साल के आए हुए हैं, आज तक का यह रोड का कोई सुनाई नहीं है। हम बच्चे कीचड़ गड्ढा मरेंगी, डिलीवरी होई तक कोई बात नहीं आए, कौन मतलब नहीं आए, बीमार होई तक खटिया मच्चे से लाद के ले जाई अना बौलिया तक, इतनी परेशानी है कि कोई सुन नहीं रहा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।